कभी राग नहीं सुनी कि रानी पद्मावती ने एक गीत के माध्यम से सारी बात अपने भांजे बादल को बता दी कि आज तेरे मामा को अलाउद्दीन खिलजी ने कैद कर दिया है और तेरी मामी का डोला मंगवाया है। साथियों उसी टाइम शादी से मना कर देता है वो राजपूत, और किस तरह से रणभूमि के लिए राजपूत चलते हैं और कैसे युद्ध होता है, आइए बाकी हवाला सुनेंगे। रागिनी के माध्यम से क्या लिखा न्यू बोलिया रे खूटी ते संग में खाली चित्तौर हो गया वस्त्र तरे छिपा के पातर का अलग दाव था की यवनों की मनमानी लड़ा रेत में न्याव भाव था एक शेर पींद में फिर क्या सबके दिल बुरा भाव था एक शेर पींद में फिर क्या सबके दिल बुरा भाव था हर न्याव करनिया भूप असुर की न्याव करनिया सुनी है, अगर शब्द समझ में आए तो एक बार जोरदार तालियों से आशीर्वाद दे देंगे। दूसरी कली में सुरेंद्र भाटी आपके बीच में दूसरी कली रख रहे हैं, आदरणीय महेंद्र जी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार आया है, एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे, जोरदार तालियों से आइए। साथ लड़ूंगी रे सती बोली साथ लड़ूंगी दिल में आराम नहीं सोया बादल इनकार करे था निज छतरी जाग नहीं से जब तक जग में जिंदे हरा रण में काव नहीं से तकत बदल शत्रु का तुम्हारा कब इंतजाम नहीं से तकत बदल शत्रु का तुम्हारा कब इंतजाम नहीं से अरे चल
चौदह चौका छप्पन सूरज हमारे बीच में। हाँ, बहुत ही आदरणीय सम्मानित हमारे एसडीएम गुड़गांव रविंदर यादव जी पहुंच चुके। मैं सीधा उनको पहले रागिनी को बीच में रोक के चाहूंगा कि मंच पर उनका पगड़ी से ग्राम सभा के बुजुर्ग आए और सम्मान करें आदरणीय रविंदर यादव जी। मैं अपनी समस्त टीम की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पगड़ी पहनाकर हमारी समस्त जो कमेटी है आदरणीय रविंद्र यादव जी का सम्मान कर रही है। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए, जोरदार ताली। और अब तो लगे आते हमारे गोती भाई गोकल गांव से सरपंच साहब आए हुए, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और सम्मान का सूचक पगड़ी स्वीकार करें। दिल्ली पहुंच गए और कैसे अलाउद्दीन खिलजी को खबर भिजवा दी और कैसे खुश होकर के खिलजी चलता है सुनेंगे तीसरी गली के माध्यम से। क्या लिखा सहा सवाया हरे वीरों का सहा सवाया दिल में श्री राम मनाते दिल्ली के पास पहुंच गए हम बैठे डोले रुकवा के कहा आई हुई पदमणी यूं कही भूप ते जाके लहर खुशी की जाती दिल जी चाल्या मुस्कान के लहर खुशी की जाती दिल जी चाल्या मुस्कान के फिर बादल ते बदला के बात का बादल ते बदला के बात का कौन हो गया बादल के संग और हल्का इसने जाके बता दी कि पद्मनी आ गई। आज बादल बड़ा खुश हो गए और साथ में अलाउद्दीन खिलजी भी यूं कहने का मेरी रानी बना के ले आओ। बादल ने कहा रे मूर्ख मेरी बात सुन निकम्मे, यहां तो ऐसे संस्कार होते हैं कि अगर कोई औरत अपने पति का त्याग करे तो उसकी छाती पर चूड़ी फोड़ती है। इसके पति को ना और उसके बाद चूड़ी फोड़वा के फिर तेरे भवन डालूंगा। अब देखो बादल कैसा ब्याह कर रहा है ना उधर खिलते का। अब मैं कह रहा हूँ फिर हाँ
बादल ने समझा के रे नहीं बादल ने समझा के फिर नहीं प्रीति जुड़ेगी रस्म रिवाज पुराने उन हर किच ना छोड़ेगी पादम की छाती पे पहले चूड़ी फोड़ेगी फिर फेंके चीर